बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है फीटल एकोकार्डियोग्राफी। फीटल एकोकार्डियोग्राफी बेसिकली क्या है? ये जो टेस्ट है ये सिमिलर है अल्ट्रासाउंड के। इस एग्जाम में जो है डॉक्टर्स को बेटर तरीके से देख सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है अनबॉर्न चाइल्ड का। उसके जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनिंग ठीक तरह से कर रहा है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही तरह से फॉर्म हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। अगर कोई कार्डिक एनोमली तो नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, या कोई वहाँ पे कार्डिक एनोमली तो वहाँ पे कोई ऐसी डिजीज तो नहीं नजर आ रही। ये जो है ये स्कैन किया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 से 24 वीक के दरमियान में इसके अंदर अंदर किया जाता है। ये एग्जाम जो है ये इसमें जो है साउंड वेव्स यूज होती हैं जिसे हम एको कहते हैं, और वो फीटस हार्ट के स्ट्रक्चर की जो है इमेज लेती हैं। मशीन एनालाइज करती है साउंड वेव्स को और क्लियर करती है पिक्चर को। और एको कार्डियोग्राम जो है वो हार्ट के इंटीरियर को जो है स्ट्रक्चर दिखाता है उसे हम कहते हैं। इमेज जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन के बच्चे का हार्ट जो है वो फॉर्म प्रॉपरली बन रहा है या नहीं, और वो वर्किंग ठीक से कर रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो है वो होती है। अप्रोक्सीमेटली जो है अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 7 को लाजमी जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगी, या हो सकता है कि उनमें से आधे बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो। क्योंकि इस डिजीज जो हार्ट डिजीज जो है प्री नटल बच्चों में उसकी हार्ट प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर किया जाए कि पैदाइश के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं कि फीटस हार्ट जो है एग्जामिन किया जाता है सिक्वेंस से अल्ट्रासाउंड व्यूज लिए जाते हैं, इसके सिक्वेंशियल अल्ट्रासाउंड व्यूज लिए जाते हैं जो कि इमेज लेते हैं कार्डिक कनेक्शन की और इंट्राकार्डिक स्ट्रक्चर की। ये इंफॉर्मेशन जो है क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होती है, और ये यूज किस तरह से यूज करते हैं कार्डिक मेजरमेंट के जरिए हम यूज करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। कार्डिक मेजरमेंट की जाती है और वह इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं और अंदाजा लगाते हैं पल्स और कलर फ्लो डॉपलर का। कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिनमें जो है हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि उनकी जो फेमिलरिटी जो होती है अपियरेंस जो होती है वो नॉर्मल लग रही होती है। लेकिन जब हम डायग्नोज करते हैं काफी बार ऐसा होता है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता तो हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे नॉर्मल जो है मेंशन कर देते हैं। लेकिन काफी बार अगर उसे डायग्नोज किया जाए, अगर वो लग रहा है कि इसमें कोई इशू आ सकता है, कोई सीरियस डिजीज हो सकती है हार्ट की, तो जब हम उसे डायग्नोज करते हैं तो मेजर हार्ट मेलफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये परफॉर्म किया जाता है ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल स्कैन में भी। ट्रेनिंग के साथ कार्डिक एवोल्यूशन जो है कार्डिक का अंदाजा लगाना वो हम वैसे भी देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक स्कैनिंग में, जो कि रूटीनली चेकअप होता है, उसमें हमें कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है। जो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होती है कि अगर हमें कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग मिली है तो हम अपने नॉलेज में देखते हैं कि किस टाइप की कार्डिक मेलफॉर्मेशन है और कौन सी पॉसिबल हो सकती है, जो कि एग्जामिनर को हेल्प करती है ताकि वो पहुंच सके करेक्ट डायग्नोस तक। हम आगे देखते हैं कि इंडिकेशंस में क्या है। फर्स्ट लेवल स्कैन बेसिकली कब करते हैं? फर्स्ट लेवल स्कैन जो है ये आइडली सब प्रेगनेंसी में किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और अब हम देखते हैं कि सेकेंड लेवल स्कैन क्या है। सेकेंड लेवल स्कैन जो है ये कुछ रिजर्व प्रेगनेंसीज में किया जाता है जिसमें रिस्क हो के बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। एग्जाम्पल के मैटरनल डायबिटीज हो गई या न्यूट्रल ट्रांसमिटेंसी जो है वो इंक्रीज है, और वो का पता चलता है 11 से 14 वीक के अंदर। अब हम देखते हैं कि इंडिकेशन आगे देखते हैं कि सेकेंड जो टेस्ट में जो है सेकेंड लेवल टेस्ट में जो है और क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर एनोमलीज देखते हैं। फीटस में कोई स्ट्रक्चर एनोमलीज तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री हो, अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज या क्रोमोसोमल एनोमलीज हो। अब थर्ड लेवल स्कैन देखते हैं, ये कंडक्ट तब करते हैं जब कोई एबनॉर्मलिटी हम देखते हैं।
सेकेंड लेवल स्कैन पे, उसके बाद जो है हम फर्दर स्कैन करते हैं थर्ड लेवल स्कैन, और इसमें जो पेशेंट को रिफर किया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट को ताकि वो आगे फर्दर मैनेजमेंट कर सके। अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मलिटीज ऐसी होती हैं जिसकी डिटेल जो है फीटल इकोकार्डियोग्राम नहीं देता बर्थ से पहले, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए। तो इसमें आ जाता है कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, मतलब नैरोइंग ऑफ एओर्टा आ जाती है, स्मॉल होल्स आ जाते हैं, या माइल्ड वेव एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, वेल्स की थोड़ी सी कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ये सब हमें जो है इसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती फीटल इकोकार्डियोग्राम में प्रीनटली बच्चे की पैदाइश से पहले। तो कुछ जो है या कुछ लीजन्स हो गए वो भी एविडेंट नहीं होते कि मतलब हमें कंफर्म नहीं होते जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, और ये हम उसे स्कैन को रिपीट करते हैं ताकि हमें पता चल सके, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि फीटल पोजीशन क्या होती है। फीटल जो है वो हम देखते हैं लिमिटेशंस में कि फीटल पोजीशन को देखा जाता है, फीटल कैसे पड़ा हुआ, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी मूवमेंट देखते हैं। सेकेंड नंबर पे देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में हम देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियास तो नहीं है, क्योंकि अगर डायबिटिक वूमेन है तो उसमें पॉलीहाइड्रोमनियास लाजमी होता है। उसके बाद देखते हैं एब्डोमिनल फैट। एब्डोमिनल फैट में आ जाता है कि हर 2 सेंटीमीटर जो है फैट अगर हो तो वो रिड्यूस कर देता है 60% जो है इमेज क्वालिटी को। 2 सेंटीमीटर भी अगर फैट ज़्यादा हो तो वो रिड्यूस कर देता है 60% ऑफ इमेज क्वालिटी को। उसके बाद देखते हैं आइडियल टाइम, जो कि 20 से 25 वीक्स के अंदर ये किया जाता है, और जो एक्सपर्टीज हैं वो ये ऑपरेट करते हैं स्कैनिंग। उसके बाद देखते हैं कि टाइमिंग ऑफ फीटल इकोकार्डियोग्राफी, फीटल की इकोकार्डियोग्राफी की जाए उसके लिए टाइमिंग कौन सी होती है, किन वीक्स में किया जाता है। जैसे बेस्ट परफॉर्म से किया जाता है वो 18 से 22 वीक्स के अंदर किया जाता है, क्योंकि 30 वीक्स के बाद जो है बेबी मेच्योर होना शुरू हो जाता है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसकी जो रिब्स हैं उसकी बोन स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें रिब्स की या फीटल रिब्स की शेडोइंग मिलती है। फीटल बॉडी मास या एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इमेज लेने में डिफिकल्टी आती है। फिर देखते हैं कि टाइमिंग ऑफ फीटल इकोकार्डियोग्राफी में आगे क्या है कि अर्ली मैटरनल ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वजाइनल स्कैन करते हैं, जो कि 11 से 14 वीक्स के अंदर करते हैं, अगर उसमें हमें फ्यूकल ट्रांसलूसी नजर आए। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन होता है 11 टू 14 वीक्स के अंदर, ये कार्डिक डिटेल इतनी कोई खास नहीं देता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि कार्डिक की फुल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। लेकिन अगर उसमें ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन प्रेजेंट है, मतलब बैकवर्ड फ्लो हमें नजर आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर है कि इसमें कार्डिक और क्रोमोसोमल एनोमलीज हो सकती हैं। अब हम इसकी इक्विपमेंट्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर प्रॉब जो होती हैं वो रेजोल्यूशन और डिटेल्स के लिए होती हैं। अब सेकेंड जो है टेस्ट अरे ट्रांसड्यूसर जो हम यूज़ करते हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद कर्विलीनियर प्रॉब्स जो हैं वो वाइडर नियर फील्ड जो है व्यू के लिए होती है, और फ्रेम रेट जो है 80 to 100 हर्ट्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी ज़रूरत होती है इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए, जैसे कि हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा है, 140 बीट कर रहा है पर मिनट। अब हम आगे देखते हैं कि जो सिस्टम है उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि अगर हम इमेज को जो है वो जूम करते हैं तो उसकी जो है इमेज नहीं बिगड़ती, वो नहीं ख़राब होती, और जो हायर पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी होती है PRF जो है वो हमें इसलिए चाहिए होती है ताकि कलर डॉपलर जो है फीटस में कंपेयर किया जाए, जो सेटिंग इस्तेमाल की जाती है रूटीन ऑब्स्टेट्रिकल कलर डॉपलर के लिए जो हम यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।